श्रद्धा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं सिंगर खागेश्वर यादव। तो लोटापानी गांव है, ये गांव का नाम लोटापानी क्यों पड़ा इसको बता दीजिए थोड़ा सा। वो तो विधायक जी आ रहे हैं, बता देंगे। आइए सर। ड्रोन उड़ा लो, कैसे ला लो तो के बता, जल्दी बता, जल्दी बता, ला जाओ क्या लग लगा। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं लोटापानी की ओर, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा टापर टूपर वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। मेरा नाम है दशरथ और मैं आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आज स्पेशली एक कमेंट आया हुआ था आर्यन सीरीज करके, तो उन्हीं के कहने पे मैं आज आप लोग को लेके चल रहा हूँ लोटापानी, और लोटापानी का ड्रोन शूट आप लोग को दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और क्या होगा क्या नहीं होगा सारा चीज़ को देखते रहिए। तो चले चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं दोस्तों अभी हूँ गड़ाकटा के पास, और ये है गड़ाकटा, और आज मेरे साथ में हैं स्पेशली पहले की तरह श्रीकांत भाई और एक नए सिंगर जो हैं वो स्पेशल खागेश्वर यादव जी हैं, जो अपने ससुराल जा रहे हैं, तो स्पेशली मुझसे मिले और कहे कि चलिए मैं भी साथ में चलूँगा। तो कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए हमारे चैनल के लिए। भैया का चैनल को, दशरथ भैया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं सिंगर खागेश्वर यादव आप सबके लिए नया नया सुन के लेते आऊँगा, और दशहरा तक दशरथ भैया का चैनल अपलोड किया जाएगा, और दशरथ भैया को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं इस रास्ते में कितना जंगल देखने को मिलेगा और क्या क्या जंगल में देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। जो भी देखने को मिलेगा मेरे आँखों से उसको सारी चीज़ को दिखाऊँगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग लोटापानी की ओर। अभी दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं उपकापानी, और ये जो यहां पर गांव है ये है उपकापानी, और हम अगर आगे जाएं तो उपकापानी बस्ती मिलेगा। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं लोटापानी की ओर, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा टापर टूपर वाला है, और उसकी वजह से हम लोग को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा स्पीड चल भाई। तो देखते हैं आगे कि कैसा होता है मौसम, और ऐसे जंगल का आप लोग को ड्रोन शूट दिखाऊँगा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग कैसे लगने वाला है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे जंगल में हाथी वाथी बहुत ज़्यादा आता जाता है, और इस सीज़न में भी बहुत ज़्यादा हाथी वाथी आया था, शिकायत में सुना था। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं लोटापानी की ओर, और लोटापानी को आपको दिखाता हूँ। तो मेरे रूप में आप लोग बढ़ रही, और देखिए ड्रोन शूट लोटापानी का। हम लोग फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं सिर नदी का पुल, और यहाँ पर से भारत सरकार वाला एक कुछ इसमें बालू से सोना निकालने वाला जो है वही है। और फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ये है पुलिया यहाँ पर देखिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं भी लोटापानी की ओर, क्योंकि इधर का जो जंगल है बहुत ही तबाही वाला जंगल है, और नदी भी देखिए पूरा फुल भरा हुआ है, और हम लोग ऐसे ही सीन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपना लोटापानी दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग लोटापानी देखने तैयार रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर फटाफट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका लाइक कमेंट शेयर का इंतज़ार करते रहता हूँ। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं लोटापानी की ओर, और लोटापानी को आपको ड्रोन से दिखाते हैं। मैं दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं लोटापानी, और ये जो गांव है मेरे सामने में दिख रहा है जो गांव, ये है फाइनली लोटापानी, और मैं इस यही जगह से आप लोग को ड्रोन शूट करने वाला हूं, और यहां पर इसका जो गाँव है इस गाँव को दिखाने वाला हूँ अपने ड्रोन की मदद से, कि ये गाँव अगर हम ऊपर से देखें तो कैसे दिखता है। तो देखते हैं ड्रोन शूट में कैसा दिखता है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड, जो बोर्ड है इस बोर्ड को दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर लोटापानी लिखा हुआ देखिए, और मैं इस गांव के बीच में जाके लोटापानी में, लोटापानी का गांव लोटापानी करके नाम क्यों पड़ा, इस सारे चीज़ के बारे में जानकारी देंगे कोई बुजुर्ग होंगे तो। तो फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो बन रहे और देखते रहिए क्या होने वाला है ये वीडियो और कैसे होने वाला है। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ लोटापानी, और अभी लोटापानी में आज गणेश चतुर्थी है, तो उसका तैयारी जोर शोर से चल रहा है, और मैं यहाँ पर लोटापानी नाम क्यों पड़ा, लोटापानी का नाम मतलब इस गांव का नाम, उसकी जानकारी यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। कौन बता पाएंगे भैया, थोड़ा सा आप बता दीजिए भैया, लोटापानी के गाँव, जो लोटापानी गाँव है ये गाँव का नाम लोटापानी क्यों पड़ा इसको बता दीजिए थोड़ा सा। वो तो विधायक जी आ रहे हैं, बता देंगे। लोटापानी का नाम मतलब लोटापानी गाँव का नाम लोटापानी क्यों पड़ा इस चीज के बारे में बता दीजिए। हमारा पूर्वज लोग, हाँ हाँ भाई, लोटा कहीं देखा था उन लोग, इसलिए लोटापानी नाम पड़ रहा है।
और हम भी नहीं देखे हैं, बस हमारे कहा देखे, हमारे पूर्व बता रहे थे उसको मिल जाए, उसी के चलते लोटापन नाम पड़ा। हाँ। और आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा महालाल राम। अब क्या कुछ है क्या यहाँ? समिति अध्यक्ष। थैंक यू भैया। तो फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पर से आप लोग को दिखाना चाहूँगा ड्रोन शूट, और यहाँ पर जब ड्रोन शूट करूँगा तो कितने लोग आएंगे उन सारे लोग से मिलाऊँगा, और आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ से ड्रोन शूट करूँगा तो जो लोटा पानी है वो कैसे दिखता है ऊपर से। तो आप लोग फिलहाल मेरे वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों लोटा पानी का ड्रोन शूट मैं करके कंप्लीट कर चुका हूं, और यहां पर का जो लोकेशन है बहुत ही अगल बगल में जंगल वाला लोकेशन है, और इसी जंगलों के बीच में हमारा ये छोटा सा गांव लोटा पानी है। और मैं यहां पर के जो भी मेरे ड्रोन को देख के स्पेशली आए वो सर लोग से मिलाता हूं। तो भाई बता दो अपना नाम, बता दो अपना नाम, बता दो सर माओ मत जल्दी बता क्या नाम है। मेरा नाम बता। अभी ड्रोन उड़ाया कैसे लगा तेरे को? ड्रोन उड़ा लो कैसे लाल तो के बता जल्दी बता जल्दी बता ला जा भाई क्या लग लग बढ़िया लाल लखनी। हाँ चल ठीक। तो आप नाम बता दे बाबू। हाँ जोर से नाम बता। ड्रोन उड़ा लो कैसे लाल लग, ड्रोन उड़ा लो अच्छा लाल कि लाल। मैं दोस्तों स्पेशली गांव में हूँ, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुझे लगता है आधा घबराहट है उन लोग का, और मैं यहाँ पर जो भी बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे मिलाता हूँ। ये भी देखिए ये भी डर गए, कोई बात नहीं। आपका नाम बता दो भाई। अबीर। अबीर अभी ड्रोन उड़ाया कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको अपना नाम बता दो। ड्रोन उड़ाया कैसे लगा? अच्छा लगा। ड्रोन देखे थे पहले? हाँ देखे थे ना। अपना नाम बता दो भाई। सूरज खान। ड्रोन उड़ाया कैसे लगा? अच्छा लगा। और एक दो जन से मिलाता हूँ क्योंकि पूरे लोग तो मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा। बता दो अपना नाम भाई। अजीत है। ड्रोन उड़ा कैसे लगा आपको? अच्छा लगा। थैंक यू भाई। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर जो ड्रोन शूट किया वो काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, और मैं यहाँ पर उसके सारे लोग तो मिलाने की कोशिश तो किया था, लेकिन थोड़ा सा गांव वाले बच्चे लोग हैं ना तो थोड़ा सा शर्माते हैं और घबराते हैं हिंदी बात सुन के। लेकिन मैं इन लोग के क्षेत्रीय लैंग्वेज सादरी बोलना चाहा, क्या करते बात करते तीन करते सब बात कहा, लेकिन इस बारे बात नहीं समझ पाए और शर्मा के भाग गए। तो स्पेशली आप लोग को जो मेरे से मिल पा रहे हैं उन्हीं से मिलाता हूँ। भैया आपका नाम आप परिचय दे दिए। मेरा नाम लीलाधर राम है, जो इसी लोटा पानी का रहने वाला हूँ। और ये लोटा पानी का नाम लोटा पानी क्यों पड़ा इसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? भैया तो बताया कुछ हो तो चलो थोड़े बहुत जानते हैं। जो पूर्वजों का कहावत है उसको सुना है कि यहाँ पर पहले जमाना में कुछ मतलब जहाँ पर जल जल हुआ करता था वहाँ पर मतलब लोटा लोटा पड़ा हुआ था, उसी के नाम से लोटा पानी पड़ा। इसको सुने हैं? अच्छा अच्छा। देखे तो हम भी नहीं है। नहीं नहीं, वो जो सुना हुआ रहता है वही को तो याद किया जाता है और बताया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।